हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महिलाओं की डिलीवरी में स्पेशल खाने के लिए तुरई पालक की सब्जी। जो सब्जी खाने में हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और खास करके ये महिलाओं की डिलीवरी के बाद तुरंत बनाई जाती है। तो तुरई पालक की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश ताजे तुरई लिया है, उसके बाद मैंने लिया है पालक। तो ये सब्जी में पालक भी डालेंगे, तुरई भी डालेंगे, और खास करके ये सब्जी है ना वो हम देसी घी में बनाएंगे। तो देसी घी में ये सब्जी बनाई जाती है। तो चलिए हम तुरई को कट करके रेडी करेंगे। तुरे के ऊपर से स्किन निकाल के उसको कट करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुरई के ऊपर से स्किन निकाल दिया है, उसको हम कट करेंगे। उसके बाद मैंने लिया है ना पालक, तो पालक को मैं धो के उसको कट करके रेडी करूंगी। जितना तुरई उतना सामने में पालक डालूंगी। हरी वाली सब्जी बनाएंगे आज हम। तो चलिए सबसे पहले तुरई को कट करके रेडी करेंगे। तुरई को पतली लंबी चिड़ियों में भी कट कर सकते हो, और इस तरह से कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तुरई को भी कट कर लिया है और पालक को भी मैंने कट कर लिया है। जितना तुरई का टुकड़ा उतना मैंने सामने पालक को कट किया है। उसके बाद मैंने लिया है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची ऑप्शनल है, डिलीवरी की सब्जी में ये हरी मिर्च नहीं डाली जाते है। उसके बाद ढेर सारा उसमें डाला जाता है लहसुन, तो लहसुन को मैंने कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए सब्जी बनाने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून जितना देसी घी। घी को गरम कर लेते हैं। घी गरम हो जाए उसके बाद डालेंगे आधी स्पून जितना जीरा, हाफ टी स्पून जितना हींग, हींग उसमें जरूर डालिए। उसके बाद डालेंगे कट किया हुआ लहसुन, तो लहसुन मैंने ढेर सारा डाला है। उसके बाद डालेंगे हरी मिर्ची। तो मैं ये सब्जी में हरी मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तीखापन के लिए, अगर ये डिलीवरी में बना रहे ना तो मिर्ची ना डाले। और हरी मिर्ची लहसुन को थोड़ी देर सोते करेंगे, लहसुन को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम घी के साथ सोते करेंगे। तो यहाँ पे लहसुन का टुकड़ा थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो ऊपर से डालेंगे हाफ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम डालेंगे उसमें कट किया हुआ तुरई। तुरई डाल के स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। नमक डाल के अच्छे से तुरई को मिक्स करेंगे। तो तुरई अभी लग रहा है बहुत ज्यादा, बट घी के साथ ही तुरई को मिक्स करेंगे ना तो एकदम कम हो जाएंगे, मतलब ये सब्जी गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तुरई को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके एकदम लो फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट के लिए ये सब्जी को पकने के लिए रख देते हैं। और दूसरी साइड मैंने थोड़ी सी पालक की प्यूरी भी बना लिया है कलर के लिए, ये पालक की प्यूरी में सब्जी में डालूंगी। तो 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा तुरई परफेक्ट गल चुका है, आप देख सकते हो उसमें ग्रेवी भी हो गई है। तो सब्जी को अच्छे से मिक्स करके उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पालक की प्यूरी। 3 से 4 टेबल स्पून जितना मैं पालक की प्यूरी डाल रही हूँ, कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हो, बट ग्रेवी थोड़ी सी ग्रीन वाली बने ना, इसलिए मैं थोड़ी सी पालक की प्यूरी डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने पालक को कट किया था ना, पूरे के पूरे पत्ते में उसमें डाल देती हूँ। पालक डाल के अच्छे से सब्जी को हम मिक्स करेंगे। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ नमक। मिक्स करने के बाद फिर से कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके एकदम लो फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए सब्जी को रख देते हैं। 2 मिनट के बाद हम ये सब्जी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जबरदस्त बढ़िया वाली सब्जी बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। तुरई भी अच्छे से गल चुका है, पालक भी अच्छे से गल चुका है। तो ऊपर से मैं 2 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ धनिया जीरा पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब भी सब्जी बन जाए ना उसके बाद ही धनिया जीरा पाउडर डालना है। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया। धनिया डाल के अच्छे से सब्जी को मिक्स करेंगे।
उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करके हम गर्मा गर्म ये सब्जी एक बाउल में सर्व करेंगे। तो महिलाओं की डिलीवरी के बाद ही तुरंत ये सब्जी खाई जाती है, और खास करके ये सब्जी बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, और ये सब्जी है बाजरे की रोटी उसके साथ दूध। इस तरह से लंच या डिनर में ये डिलीवरी के बाद सब्जी बना के खा सकते हैं, और खाने में हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।